निशुल्क विज्ञापन का लाभ 20 अगस्त तक। जी हाँ, आरकेबी फिटनेस, लाभ उठाइए। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट को जरा ध्यान से देखते रहिए, इसमें क्या है वो हम आगे बात करेंगे एडवोकेट प्रतिभा पाटिल जी से। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ जनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और साइबर क्राइम में क्या क्या होता है ये जानने के लिए और आप बीती सुनने के लिए एडवोकेट प्रतिभा पाटिल के ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ। आइए देखते हैं प्रतिभा पाटिल जी का क्या कहना है। नमस्ते। और हम बैठे हैं एडवोकेट प्रतिभा पाटिल जी के साथ, जी हाँ, जो कि एक एक्सपर्ट हैं कई मामलों में। मैडम, आपके साथ जो मैसेज आया और उस पर जो बातचीत हुई, तो क्या किस तरह से आप उसको रिएक्ट करना चाहेंगी? तमाम जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मैं ऑफिस आई कुछ 11:30-12 बजे और मैं बैठी थी, थोड़ा मोबाइल व्हाट्सएप पे मैसेज में देख रही थी, तो एक सडनली एक मैसेज मुझे आया। उसमें एक ऑडियो क्लिप का ये आया पहले और बाद में एक पोस्टर के जैसा एक आया। उसमें अमिताभ बच्चन की फोटो, नरेंद्र मोदी जी की फोटो और अंबानी मुकेश अंबानी जी की फोटो लगी हुई थी और केबीसी कौन बनेगा करोड़पति ऐसा सब उसमें डाला था। और आपको 25 लाख का इनाम मिला है और आप लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुए हो, ऐसा वो पोस्टर में सब लिखा हुआ था। और आपका लकी ड्रॉ नंबर ये है और इस तरह से मैंने वो पढ़ा और सडनली मैं शॉक हो गई कि फिर वापस मैंने उसको दोबारा बहुत अच्छे से पढ़ा जी। जब जाके पता चला कि कहीं ना कहीं ये फ्रॉड लग रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो नरेंद्र और वो जो हिंदी थी उसमें और ये सब, और सडनली मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये सब फ्रॉड्स आजकल बहुत चल रहे हैं और आजकल क्या बहुत काफ़ी ये 2-3 साल में बहुत ज़्यादा ऐसी हादसे हो रहे हैं कि लोगों को फोन कॉल से और इस तरह से व्हाट्सएप करके या कुछ साइबर क्राइम करके, हाँ, तो ये क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये क्राइम्स का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं इसके पकड़ में नहीं आ रहे हैं, कानून के पकड़ में शायद नहीं आ रहे हैं। तो ये साइबर क्राइम जो है ये उसके वो इंसान बंदे के पास पहुंच पाना शायद बहुत मुश्किल होती होगी, मुझे मालूम नहीं, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन उसके बाद मैंने उनको डाला मैसेज कि हुज नंबर इज दिस, लेकिन मुझे उसमें भी थोड़ा शक आया कि अगर मैं कुछ कम्युनिकेट करूँ और कुछ हो जाए, मेरी कोई इनको जानकारी मेरी चली जाए इनके पास, तो सडनली मैंने वो नंबर को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही मेरे जहन में आया कि कहीं ना कहीं ये मुझे फ्रॉड लग रहा है, तो मैंने वो तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस के लिए मैं इसको लोगों की तरफ मैं जाने दूं कि अभी फोन कॉल सर ये सब नहीं, तो ये व्हाट्सएप चैट पे भी अभी ये लोग ऐसा ऐसा करने लगे थे, आपके नंबर लेके आपको ऐसा ये कहीं ना कहीं आपकी दिशा भूल करके आपके जो पैसे हैं आपके अकाउंट्स के अकाउंट से जाने की चांसेस है, या फिर और कोई जानकारी ये लोग हासिल करना चाहते हैं तो वो उनके पास अपनी चली जाती है, क्योंकि अपने नंबर जो है वो आधार कार्ड से लिंक है, अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक से लिंक है। तो ये सब जो इजी इस तरह से उनको ये बहुत इजी मालूम, उनको जानकारी अपनी अपने बारे में मिल जाती है। तो कृपया करके मेरे को मुझे लोगों से एक विनती करनी है कि ऐसे फ्रॉड कॉल्स और ऐसा कि आपको ये लकी में मिला वो लकी में मिला और आप इसके विनर हो गए उसके विनर हो गए, तो कृपया करके ऐसे कॉल्स को आप एंटरटेन मत कीजिए। आपकी जानकारी या कोई केवाईसी या कुछ ऐसा जो भी जानकारी वो लोग जानना चाहते हैं, आप उनसे बात ही मत कीजिए, आप उनके फोन कॉल्स कट कर दीजिए जी। कृपया करके आपके जो हार्ड एंड अर्न की कमाई है उसको आप सेफ रखिए, कि कोई भी इतना आसानी से कभी भी पैसा नहीं मिलता है। ये मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो मेहनत की कमाई है उसको संभाल के रखिए। धन्यवाद। आरकेबी जिम, आपकी सेहत का राज।